In this video, I am going to discuss about conversion of cholesterol into vitamin D3. Vitamin D, fat soluble vitamin hai, ya vitamin calcium, magnesium and phosphate ke intestinal absorption ko increase karta hai. Aur saath hi saath ya kai biological effect bhi show karta hai. To is tarah calcium, magnesium aise ions ke absorption ke dwara ye bone ki strength ko badhata hai. Bones ke liye bahut aavashyak hai. बोन्स की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है विटामिन डी और इसकी डिफिशियंसी कई इससे कई बीमारी भी होती है. विटामिन डी एक ही टाइप का नहीं होता. विटामिन डी टू एंड विटामिन डी थ्री ह्यूमन्स में मोस्ट कॉमन विटामिन है. सो विटामिन डी इज़ फैट सोल्यूबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट. केमिकली विटामिन डी इज़ सीकोस्टेरॉइड. During cholesterol synthesis, 7-dehydroxycholesterol is formed as an intermediate product. On exposure to sunlight, 7-dehydroxycholesterol is converted into cholecalciferol, vitamin D3, in the skin and finally converted into calcitriol, which is the active form of vitamin D. Iska utilization body karti hai. Hamari skin ki upper layers mein sun se aane wali ultraviolet light ke action se ye jo 7-dehydroxycholesterol था जो कि किससे बना था, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में इंटरमीडिएट के रूप में बना था, उसके एक्शन से विटामिन डी थ्री फॉर्म होता है. सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में उससे प्री विटामिन डी थ्री फॉर्म होता है. ये प्री विटामिन डी थ्री फर्दर स्किन की लोअर लेयर में विटामिन डी थ्री में कन्वर्ट होता है. या विटामिन डी प्री विटामिन डी थ्री का विटामिन डी थ्री में कन्वर्जन नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है, मतलब इसमें कोई एंजाइम यूटिलाइज नहीं होता है. उसके बाद ये तुरंत ही विटामिन डी थ्री या तो एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाता है या तो या लीवर में एक्टिवेशन के लिए तुरंत ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है या बहुत क्विक प्रोसेस होता है. अब यहाँ लीवर में आने के बाद विटामिन डी थ्री 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा इसका 25 हाइड्रोक्सीलेशन होता है जिससे बनता है कैल्सीडायोल या जिसे कहते हैं 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल. उसके बाद ये जो विटामिन ये जो बना है कैल्सीडायोल वो कन्वर्ट होगा कैल्सीट्रॉल में जिसका पूरा नाम होता है 1α25-dihydroxyvitamin D3. तो इस तरह से जो हमें विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है 1α25-dihydroxyvitamin D3 वो प्राप्त हो जाता है जिसे शॉर्ट में कहते हैं कैल्सीट्रॉल. तो इसको याद रखिएगा कि विटामिन डी थ्री का एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सीट्रॉल और वही हमें बनाना है. विटामिन डी का जो मेन प्रिकर्सर है वो है विटामिन डी सिंथेसिस में वो है 7-dehydrocholesterol जो कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के समय प्राप्त होता है. यहाँ पे प्री विटामिन डी थ्री और 7-hydrocholesterol एंड कैल्सीट्रॉल का आप इमेज स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं. स्ट्रक्चर आपको एग्ज़ाम में बनाना है इसलिए इसको याद रखिएगा. यहाँ पे नाम के ऊपर में स्ट्रक्चर भी बनाइएगा. तो या तो आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड हियर इज अ कोट. ऑल द बिलीव्स दैट आर करेंटली शेपिंग योर लाइफ हैव बीन बिल्ड बाय यू. दैट मीन्स यू हैव द पावर टू क्रिएट एंड बिल्ड न्यू बिलीव दैट विल चेंज योर लाइफ Forever. Of course, आपकी ज़िंदगी में जितने भी बेलप्स हैं जो आपकी ज़िंदगी को बना रहे हैं वो आप ही के द्वारा डेवलप किए गए हैं, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो. आपके बिलीव्स ही आपकी ज़िंदगी को बनाते हैं. तो जब आपके पास इतनी क्षमता है कि आप अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हमेशा उन्हीं बिलीव्स को अपने अंदर उन्हीं बिलीव्स को तैयार करें जो आप की ज़िंदगी को बदल सके, आपकी ज़िंदगी को उस ग्रेटनेस की ओर ले जा सके जो इस दुनिया में आने का पर्पस आपका पूरा कर सके. सो हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी रखिए तथा मेहनत करते रहिए ताकि आप सच्चे और सही बिलीव्स को डेवलप कर सके. एंड दिस पॉजिटिव बिलीव्स विल देन हेल्प यू टू ग्रो. थैंक यू सो मच. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल यूजी फार्मा गाइड.